दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुरानी दिल्ली में स्किल सेंटर का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश में डर का माहौल है, तकरीबन 12 लाख उद्योगपति देश छोड़ चुके हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही है। मैं देख रहा हूं कि आज यहां पे बहुत सारे युवा आए हुए हैं और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। दिल्ली सरकार, जब से हमारी सरकार बनी है अब 7-8 साल हो गए, शिक्षा पे हमने सबसे ज्यादा जोर दिया। यहाँ पे आपके बगल में भी एक बहुत शानदार स्कूल बना कि नहीं बना? बहुत शानदार स्कूल बना, जो पहले खंडर हुआ करता था, बहुत ही खूबसूरत स्कूल बन गया है। पूरी दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चों के लिए, पहले गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जिनमें जाया करते थे, सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल होता था, लेकिन अब सारे सरकारी स्कूल एक एक करके शानदार बना दिए। आप लोगों ने विश्वास करके हमें एमसीडी में भी जिताया, अब एमसीडी के भी स्कूल शानदार बनाएंगे, एमसीडी के स्कूलों को भी ठीक करने का काम शुरू किया है। तो शिक्षा पे हमने बहुत जोर दिया। अब सरकारी स्कूलों के अंदर प्राइवेट से भी नाम कटा के लोग अपने बच्चों को भर्ती करा रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षा के बाद रोजगार नहीं मिले तो फिर शिक्षा किस बात की भाई? शिक्षा सबसे पहले तो आदमी ये सोचता है ना, पढ़ लिख के अपने परिवार को पालने लायक मैं पैसे कमा पाऊंगा, चाहे अपना रोजगार करूंगा, चाहे नौकरी करूंगा, इतना कमा लूंगा कि घर चल जाए। लेकिन अगर पढ़ लिखने के बाद भी रोजगार नहीं मिले तो फिर शिक्षा, मेरे हिसाब से तो शिक्षा का कोई फायदा नहीं। बता दें कि ये दिल्ली सरकार का तीसरा लाइट हाउस स्किल सेंटर है। यहाँ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार मिलेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मटिया महल में स्थित इस सेंटर का उद्घाटन किया। कालकाजी और मलकागंज में ऐसे ही लाइट हाउस सेंटर चल रहे हैं, जहां 3000 युवा स्किल ट्रेनिंग ले चुके हैं। केजरीवाल ने कहा कि आज मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की है। स्किल सेंटर में बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, 30 तरह के कोर्स हैं, साथ ही यहाँ कंप्यूटर, IT, ग्राफिक्स डिजाइनिंग और चाइनीज खाना बनाने के कोर्स की भी पढ़ाई की जाती है। दिल्ली सरकार का चौथा लाइट हाउस सेंटर पटपड़गंज में बन रहा है। ऐसे ढेरों लाइट हाउस पूरी दिल्ली में खोलने की योजना है। स्किल सेंटर के उद्घाटन पर दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा, मनीष सिसोदिया जी, आले जी और मैं यहाँ पर इसी बिल्डिंग में आए थे, तब इस बिल्डिंग को भूत बंगला कहा जाता था। आज उस भूत बंगले को हाईटेक मॉडर्न लाइट हाउस कहा जा रहा है, उसके लिए आपके बहुत बहुत बधाई। और ये जो लाइट हाउस है, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि इतने सारे युवा, इतने सारे लड़के लड़कियां जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सबको हाई क्वालिटी वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग और अच्छी जॉब प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी देगा, इस बात का मुझे भरोसा है। अक्सर जब हम स्किल सेंटर के बारे में सोचते हैं और जब भी हम कहते हैं जी कौशल केंद्र खुल रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई सिलाई बुनाई सिखा रहा होगा, ऐसा स्किल सेंटर के बारे में माना जाता है। लेकिन अगर पिछले 8 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक चीज करी है, तो उन्होंने शिक्षा में, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्किल सेंटर हो, से नई परिभाषा दी है कि वर्ल्ड क्लास शिक्षा क्या होती है। उस परिभाषा के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार। यहाँ हर साल 18 से 35 साल की उम्र के आर्थिक रूप से कमजोर करीब 1000 युवाओं को जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे बच्चे जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनको भी यहाँ स्किल सिखाई जाती है। 30 किस्म के कोर्स हैं, जिसे जो कोर्स पढ़ना है वो उसका चयन कर सकता है। बताया जाता है कि दिल्ली सरकार के स्किल सेंटर में सबसे ज्यादा कंप्यूटर,
डिजिटल और चाइनीज खाना बनाने के कोर्स की मांग है। ज्यादातर यहाँ वो बच्चे आते हैं जो कि लंबे समय तक कोर्स नहीं कर सकते हैं, बल्कि उन बच्चों की संख्या ज्यादा होती है जो 3 महीने का कोर्स कर सकते हैं। इस मौके पर दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने स्किल सेंटर को लेकर कहा, से 1.5 साल पहले स्किल सेंटर्स लाइट हाउस सेंटर्स का मीटिंग चल रही थी मनीष सिसोदिया जी के ऑफिस में, इत्तफाक से मैं भी वहाँ पे मौजूद था, आतिशी जी भी थी। मैंने कहा कि एक लाइट हाउस क्या है, तो आतिशी जी ने ये बताया कि लाइट हाउस स्किल सेंटर्स हैं जहाँ पर अलग अलग टाइप के स्किल कोर्सेज कराए जाएंगे, 20-25 कोर्सेज एक ही छत के नीचे होते हैं। तो मैंने कहा क्या ये पुरानी दिल्ली मटिया महल विधानसभा में मुमकिन है? उन्होंने कहा बिल्कुल है, आपके पास जगह है। मेरे पास पूरी पुरानी दिल्ली में सबसे बड़ी जगह हमारे पास ये स्पेस था। तो हमने जब ये कहा तो लोगों को लगता था नहीं यहाँ कुछ चलता नहीं, यहाँ कुछ खुलेगा नहीं, फलाना नहीं, इससे पहले भी सरकारें आई हैं उन्होंने कुछ ना कुछ कहा है, मगर मैंने कहा ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जो कहा जाता है वो करा जाता है। तो फिर उसके बाद जब हमने इसको खोला और जब 15 महीने पहले मैं और आतिशी जी CM साहब के अप्रूवल के बाद, मुख्यमंत्री साहब के अप्रूवल के बाद, जब इस जगह को यहाँ पर जब ये स्किल सेंटर लाइट हाउस से दिखाई गई, साइट को क्लियर कराया गया, जब उसके बाद हल्के हल्के चुपचाप हमने काम करा, कोई किसी से बात नहीं, कोई किसी से मशवरा नहीं, CM साहब ने कहा कि बच्चों को एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे, तो आज वो सरप्राइज गिफ्ट का नतीजा है कि हजारों की तादाद में युवा यहाँ पर मौजूद है।